jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आमिर खान के लिए साल 2016 से 17 काफी बेहतर रहा। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई उनकी फिल्म दंगल 2017 में सबसे ज्यादा कमाई 495 करोड़ करने वाली फिल्म बनी। इतना ही नहीं, इसने ओवरसीज में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और चीन में तगड़ी कमाई की। इस साल कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई जो आमिर की इस फिल्म को टक्कर दे सके। हालांकि 2018 में ऐसी कई फिल्में आने वाली हैं जो न सिर्फ दंगल को कड़ी टक्कर दे सकती हैं, बल्कि उसके रिकॉर्ड को तोड़ भी सकती हैं। इनमें खुद आमिर की ही एक फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी शामिल है। इसके अलावा शाहरुख की ड्वार्फ, सलमान की रेस 3, रणवीर दीपिका की पद्मावती, अक्षय रजनीकांत की 2.0 और अजय देवगन की रेड भी वो फिल्में हैं जिनसे आमिर की फिल्म को कड़ी चुनौती मिल सकती है। इस पैकेज में हम बता रहे हैं ऐसी ही फिल्मों के बारे में। ड्वार्फ, बजट 150 करोड़, रिलीज डेट 21 दिसंबर 2018, स्टार कास्ट शाहरुख, कैटरीना, अनुष्का शर्मा, पद्मावती, बजट 200 करोड़, रिलीज डेट क्लियर नहीं, स्टार कास्ट दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, रबर्ट टू, बजट 450 करोड़, रिलीज डेट 13 अप्रैल 2018, स्टार कास्ट अक्षय कुमार, रजनीकांत, एमी जैक्सन, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, बजट 210 करोड़, रिलीज डेट 7 नवंबर 2018, स्टार कास्ट अमिताभ बच्चन, आमिर खान, फातिमा सना शेख, संजय दत्त की बायोपिक, बजट 150 करोड़, रिलीज डेट 30 मार्च 2018, स्टार कास्ट रणबीर कपूर, दिया मिर्जा, मनीषा कोइराला,